दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, प्री प्राइमरी और कक्षा एक में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की। दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार समाप्त हो गया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 12 जनवरी को प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, प्री प्राइमरी और कक्षा एक में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी। सभी स्कूलों में 25% सीटें EWS और दिव्यांग वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित है, जिसकी जानकारी देते हुए शकरपुर में स्थित विद्या बाल भवन के MD कपिल शर्मा ने बताया कि दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके बाद अभिभावक की क्वेरी का जवाब देंगे। ये प्रक्रिया 13 जनवरी से 22 जनवरी की अवधि तक रहेगी। वही एडमिशन की दूसरी लिस्ट 29 जनवरी को रिलीज की जाएगी। पूरा एडमिशन प्रक्रिया 8 मार्च तक जारी रहेगा। 12 जनवरी से जो पहली लिस्ट है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज वो जारी हुई है, और आज के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है 13 जनवरी से, वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्कूल में जाके इजली 29 जनवरी से पहले वो आप स्कूल से ले सकते हैं। सेकंड लिस्ट जो है वो आपकी 29 जनवरी को निकलेगी, और उसके बाद जो है उसके बीच में आपको थोड़ा सा समय मिलेगा 1 मंथ का, और उसके बाद जो थर्ड लिस्ट है वो 21 फरवरी को निकलेगी, और उसके बाद जो लास्ट हमारी जो डेट है वो है 8 मार्च, जो एडमिशन का जो क्लोज टाइम है। बता दें कि नर्सरी एडमिशन की लिस्ट अभिभावक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित स्कूलों के वेबसाइट पर भी लिस्ट अपलोड की जाएगी। एडमिशन से जुड़े अन्य अपडेट के लिए भी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हैं तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन जो साइट है आप वहाँ जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। किस दिन एडमिशन ओपन होंगे, किस दिन फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, किस दिन सेकंड लिस्ट निकलेगी, किस दिन थर्ड लिस्ट निकलेगी, जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हर साल ही होता है वो नॉर्मल, थोड़ा सा रेशू जो होता है वो हर साल ही होता है, और इस बार थोड़ा सा पेरेंट्स जो है, जैसे बच्चा जो है वो 4+ होता है तो पेरेंट्स को थोड़ा वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि इस बार बच्चा हमारा स्कूल में जाएगा, तो जो भी उनकी इंक्वायरी वगैरह होती है वो स्कूल अवेलेबल उनको बता देता है। अगर आप भी अपने बच्चों का दाखिला का कंफर्मेशन जानना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। रिया राय, टोटल TV, दिल्ली।